मारीना संदेश राय। स्वागत है आपका मारीना संदेश लाइव में, मैं उफात काजमी और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से। बताने चले आपको कि हकीकत पूरा डोमन पूरा खुदबखिया में नाबालिग बच्ची के साथ 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास। इसी क्रम में जब मारीना संदेश को पता चला तो तत्काल मौके पर पहुंच के देखा गया, वहां क्लिनिक में बच्ची लेटी हुई थी अपनी माता के साथ एवं पुलिस प्रशासन थाना दक्षिण टोला प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उन्होंने बच्ची को अपने कस्टडी में लेते हुए जांच कराने का आश्वासन दिया एवं साथ में थाने पर लेकर चले गए। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि क्या मामला था। मामला हम आपके आगे दिखाएंगे। पता ये चला कि उसी दिन उसी समय रात में एक घटना हुई और एक घटना दोपहर में हुई कि लोगों को आशंका है कि शायद ऐसा तो नहीं कि बच्चा पकड़ने वाला गिरोह मऊ में भी आ गया हो और सक्रिय हो गया हो। आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि वहां के लोगों ने क्या कहा और वो डॉक्टर जिसकी क्लिनिक पर बच्ची को रखा गया था, जिसका प्रथम उपचार डॉक्टर ने किया था, डॉक्टर ने क्या कहा, आइए वीडियो देखें। आज क्या मामला हुआ यहाँ पर? मामला यही हुआ कि एक लड़की थी मदरसे में पढ़ के निकली तो वहाँ से एक आदमी खड़ा था काला बांध के गमछा और वहाँ से वो हाथ देकर बुलाया, वो भाग के गई, यही वो लड़की बोली हमसे। पता कहाँ का है, पूरा क्या पूरा पता बताइए। पता है डोमनपुरा पश्चिम खुदबखिया, ये जो अभी ये दूसरी घटना हुई है ये हकीकत पूरा की है। मतलब एक ही दिन में दो घटनाओं का अंजाम दिया गया है। और क्या मकसद रहा होगा? मकसद कुछ भी हो सकता है, रेपो का तो कोई वो नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका पहले परिचय दीजिए और पूरा घटनाक्रम बताइए क्या था। मेरा नाम डॉक्टर जुबैर अहमद है, डोमनपुरा खुदबखिया। एक लड़की मेरे पास आई थी जिसके वो इंसॉल्ट हुआ है सेक्सुअल और कुछ वहाँ के पार्ट के रप्चर हैं और ब्लीडिंग हो रही है और मोहल्ले के लोगों ने बहुत सारे लोगों देखा और FIR दर्ज हुआ है जा रही हॉस्पिटल। लड़की की उम्र क्या रही होगी? 7 से 8 साल रही होगी। तो आपके हिसाब से क्या हुआ है? मेरे हिसाब से किसी ने कुछ भी इंसॉल्ट किया होगा, जो भी चीज़ हो। वो गिरने पे चोट वोट नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कि चोट लगी है। ठीक। खबरें पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह हमारी खबरों का ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।